आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सीएम बन रहा है, मुख्यमंत्री नया बना है। इम्पोर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया है, हम सब ने बड़े हैवी हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया है। और आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हैवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। वो बहुत सक्षम है और अब जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई मेरे ऊपर ये दाग लगाया, लांछन लगाया इन्होंने, जब तक मैं अग्नि परीक्षा से नहीं गुजर जाता, जब तक जनता नहीं कह देती कि मैं पाक साफ हूं और ईमानदार हूं, तब तक मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूंगा। हरियाणा अगले 2-3 दिन में जाना शुरू हो जाएगा और शेड्यूल कल आज शाम तक आप लोगों को। एक और बात, जो ओथ की बात है आतिशी जी की, वो जो हमेशा से आम आदमी पार्टी का या नेताओं का ट्रेंड रहा है, पहले की तरह रामलीला ग्राउंड या फिर राजभवन ही आप प्रेफर करेंगे वहां पे? वो देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस है मेरे ख्याल से। जैसा कि मैंने बोला कि मुख्यमंत्री कौन है, क्या बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टेम्पररी मेजर है, 2-3 महीने के लिए जिम्मेदारी है। प्रमुख बात यह है कि केजरीवाल जी जनता के पास जाएंगे, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, हम सब बड़े दुखी हैं, हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है। हम और सारे कार्यकर्ता और वॉलेंटियर 10 गुना 100 गुना ज्यादा ताकत से और फाइट करेंगे। और पहले ये 60 सीट 67 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी आती थी, इस बार 70 में 70 ये टारगेट है। इनका सुपड़ा साफ इस बार जनता करेगी और भारी बहुमत से वापस से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री।